अंडरग्राउंड रोबोट रिस्टोरेशन मॉन्स्टर अटैक। शहर में कुमार नाम का एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक रहता है। वो रोबोट बनाने में बहुत ही माहिर था। उसके अंडरग्राउंड में एक रोबोट बनाने की बड़ी सी लैब थी। एक बार कुमार एक एडवांस रोबोट बनाने के काम में लग जाता है। उसकी मदद के लिए उसके कुछ साथी वैज्ञानिक भी लैब में उसके साथ काम कर रहे थे। एडवांस रोबोट के बारे में कुमार का सहयोगी कुमार से कहता है, अरे सर, इतने बड़े एडवांस रोबोट को चार्ज करना और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें ये काम बंद कर देना चाहिए सर। क्या कहा, काम बंद कर देना चाहिए? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर आप लोगों को काम नहीं करना तो मुझे साफ साफ बोल दो, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं। अगर मेरा ये प्रयास कामयाब हो गया तो हमारा और हमारे देश का खूब नाम होगा। ये अकेला एडवांस रोबोट हमारे देश की हर मुश्किल को दूर कर सकता है। पर सर, एडवांस रोबोट को आप कैसे चार्ज करोगे, उसे कैसे कंट्रोल करोगे? और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए मुसीबत साबित हो जाएगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैंने इसके सारे प्रोग्राम पहले ही तय करके रखे हैं और वो सारे मेरे कंप्यूटर में फिक्स है। और मैंने सरकार से यहाँ पर पावर स्टेशन बनाने की भी बात कही है, जिससे हम अपने एडवांस रोबोट को चार्ज कर सकते हैं। इस तरह कुमार अपने सहयोगी को दिलासा देता है और वो सारे फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। दिन रात की मेहनत से उनका एडवांस रोबोट तैयार हो जाता है। एडवांस रोबोट को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन से उसे जोड़ा जाता है। लेकिन ये क्या, एडवांस रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है। पावर स्टेशन से निकलने वाले करंट से रोबोट खराब हो जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। तब कुमार का सहयोगी कहता है, सर, ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई सर। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? मैंने तो रोबोट को अच्छे से चेक किया, फिर ये कैसे हुआ? कहीं तुम में से किसी ने मेरे रोबोट के साथ छेड़खानी तो नहीं की? जल्दी बताओ, अगर ऐसा है तो मुझे आगे चलकर कुछ पता चला तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। कुमार के कहने पर भी सहयोगी कुछ नहीं कहते। सब मना करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुमार हार नहीं मानता और फिर से अकेले ही उस खराब रोबोट का रिस्टोरेशन करने लगता है। तो दूसरी ओर शहर में एक बड़ी सी रोशनी के साथ एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और वो शहर में घुस जाता है। शहर में वो तबाही मचाना शुरू करता है। सारे लोग उस भयानक मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी ऐसी भयानक हंसी की वजह से सब बहुत डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब शहर का क्या होगा और क्या किया जाए। उधर अंडरग्राउंड में कुमार अपने रोबोट का रिस्टोरेशन करते रहता है। रिस्टोरेशन से रोबोट अब बिल्कुल भी नए जैसे बन जाता है। कुमार उसके सारे प्रोग्राम्स को चेक करता है। तब उसके ध्यान में आता है कि रोबोट के प्रोग्राम में कहीं से वायरस घुस गया था। कुमार उस वायरस को निकाल कर रोबोट का प्रोग्राम फिर से सेट करता है और उसे चार्ज करने के लिए फिर से पावर स्टेशन से जोड़ देता है। तभी कुमार को उसके पुराने सहयोगी का फोन आता है। हेलो सर, क्या हमारा एडवांस रोबोट रेडी हो गया है सर? दरअसल बात यह है कि शहर पर एक भयानक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है सर। अब तो हमें हमारा रोबोट ही बचा सकता है। सहयोगी की बात सुनकर कुमार अपने लैब के मॉनिटर पर उस भयानक मॉन्स्टर को देखता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ही भयानक मॉन्स्टर है। मैं अभी हमारे रोबोट को वहां भेजता हूँ, वो सब संभाल लेगा। ऐसा कहकर कुमार अपने रोबोट को चार्ज करके उसे शहर भेजता है। एडवांस फीचर्स होने के कारण रोबोट उड़ते हुए उस मॉन्स्टर के सामने आ धमकता है और उससे लड़ाई करने लगता है। रोबोट अपनी सारी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला करता है। बार बार होने वाले वार से मॉन्स्टर कमजोर हो जाता है। अब वो खुद की जान बचाने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोबोट ही उस पर भारी गिरता है। अंडरग्राउंड में कुमार लैब में से ये सब देखते रहता है। तब वो कहता है, इस मॉन्स्टर को उसके पोर्टल का दरवाजा बंद होने से पहले वापस भेजना होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगा। ऐसा कहकर कुमार वहीं से रोबोट को ऑपरेट करता है और उसे कुछ कमांड देता है। कमांड मिलते ही रोबोट मॉन्स्टर को अपने हाथों से उठाता है और उसे पोर्टल की तरफ ले जाता है। पोर्टल का दरवाजा बंद होने से पहले ही
रोबोट मॉन्स्टर को उसके अंदर फेंक देता है और जल्दी से पोर्टल भी बंद हो जाता है। इस तरह से शहर को मॉन्स्टर से एक रोबोट की मदद से बचाया जाता है। सुपर जेसीबी रोबोट जादुई शैतान। जंगल के बीचों बीच आग की लपटों ने अपना जाल बिछाया था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने एक शैतान का रूप ले लिया। एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया था। वो शैतान जहां भी जाता उसके अस्तित्व से ही वो जगह तहस नहस हो जाती। वो अपने पीछे बस उस जगह के और उन चीजों के अवशेष छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में जादुई शैतान के लिए दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मान लो इंसानों, वरना तुम्हारी सारी दुनिया ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो, जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मेरी पूजा करो इंसानों। हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं, तुम जैसे शैतान की नहीं। भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। देखो तो मैं भी कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। शैतान ने उस आदमी को खत्म कर डाला। उसे लोगों को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ लोगों ने उसके सामने अपना सर झुका लिया तो कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग गए। जिन्होंने उसका विरोध किया वो उन्हें मारने या यातना देने लगे, पर उस शैतान ने अपने जादू से उस शहर के बाहर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे सारे बर्बाद करके रख दिए। अब लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। अरे ये क्या हो गया, उस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, शायद वहां पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। प्रणय दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहां उस शैतान ने आतंक मचा कर रखा था। प्रणय दो दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था पर हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसे अब अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। प्रणय के पास एक सुपर जेसीबी रोबोट था जिसकी मदद से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर देता। वो तुरंत अपना रोबोट लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदेशा हो गया। ये क्या, ये पूरा शहर अंधेरे में क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे शहर के अंदर जाने से ही रोक रही है, लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चल सुपर रोबोट काम पर लग जा, अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। प्रणय ने सुपर जेसीबी रोबोट की मदद से एक सुरंग बनाई और वो उस सुरंग के जरिए शहर के अंदर घुस गया और एक जगह से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि चारों ओर बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी। अब हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका सम्राट। तो ये है इसके पीछे का करता धरता, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। जेसीबी रोबोट, अब तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर प्रणय और उसके रोबोट पर पड़ी, पर जेसीबी रोबोट भी लड़ने के लिए तैयार था। शैतान ने गुस्से से उस पर एक भारी तूफान से हमला किया और रोबोट ने जमीन में अपने पाँव फंसा कर रख दिए, इसलिए उस तूफान का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो एक बड़े से पेड़ की तरह वहां जमा रहा। इस पर तो कोई भी जादू का असर नहीं हो रहा, आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है शैतान, बच सकता है तो बच के दिखा। रोबोट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को हवा में उछालकर वापस जमीन की तरफ आते हुए जोरदार उस जादुई शैतान के सिर पर वार कर दिया।
हमला इतना जोरदार था कि जादुई शैतान का आधा शरीर जमीन के नीचे धस गया। ऐसा होते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं मिट्टी नहीं, मुझे मिट्टी से दूर रखो। ओह, तो इसकी कमजोरी मिट्टी है। ठीक है बेटा, अब तो तुझे मिट्टी में ही मिला देता हूँ। तभी मैं सोचूं ये जमीन से इतना ऊपर क्यों उड़ रहा था। प्रणय और जेसीबी रोबोट को उस जादुई शैतान की कमजोरी का पता चल गया था। अब जेसीबी रोबोट ने एकदम सुपर फास्ट स्पीड से सब जगह की मिट्टी खोद डाली और उस मिट्टी को उसकी डबल स्पीड के साथ शैतान पर डालने लगा। वो शैतान पहले ही जमीन में फंसा हुआ था, इसलिए उसका जादू कमजोर पड़ने लगा था। ऊपर से मिट्टी, इसलिए वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह मिट्टी में घुल गया और गायब हो गया। इस तरह जेसीबी रोबोट ने बड़ी ही आसानी से उस जादुई शैतान का खात्मा कर दिया।